गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कल मैंने आप लोगों को बताया था या पिछली क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअल में किसी भी कंपनी के अंतर्गत जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि एक चाहे कंपनी स्वयं करे स्वयं के आधार पर, चाहे समाज के अन्य पक्षकार, चाहे डेटर्स हैं, चाहे क्रेडिटर है, चाहे डिबेंचर होल्डर है, चाहे शेयर होल्डर हैं, इन सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही महत्व रखते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि कंपनी के अंतर्गत यदि कोई शेयर होल्डर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या डिबेंचर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देना चाहती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक ऐसा साधन है या कंपोनेंट है जिसके आधार पर कंपनी को किसी भी प्रकार का पैसा मिल सकता है, चाहे वह कैपिटल के रूप में हो, चाहे वह लोन के रूप में हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में प्रत्येक कंपनी के लिए बहुत महत्व रखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वह एक्यूरेट होंगे और जितना एक्यूरेसी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी उतना ही कंपनी के लिए वह लाभदायक होगा, क्योंकि ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आप शेयर होल्डर को या डिवेंचर होल्डर को या एनी इंस्टीट्यूट विच गिवन लोन सबको आप भरोसा दिलवा सकते हैं कि हमारे जितने भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वह सही हैं या एक्यूरेट हैं और कंपनी की जो पोजीशन है, पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई गई है वह बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है या किसी प्रकार का करप्शन नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वास्तव में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जितने भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनको हाउ टू बी प्रेजेंट, हम उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वह कई मतलब आज के युग में तो कंप्यूटर आ गया, अदरवाइज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहियाँ रखते थे या पुस्तकें रखते थे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसका केवल एक समराइज जिसे हम क्या कहते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीछे 2 साल के या 5 साल के या 10 साल के हैं उनको किस प्रकार से समराइज करके हम अपने जितने भी बिजनेस से संबंधित या जो कंसर्निंग पार्ट है उनको किस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहता है, चाहे कोई डिबेंचर होल्डर बनना चाहता है, कोई बैंक के द्वारा लोन लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे और उनका एनालिसिस किया हुआ होगा तो निश्चित रूप से वह कंपनी ज़्यादा महत्व रखेगी और उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, चाहे शेयर होल्डर के द्वारा, चाहे डिबेंचर होल्डर के द्वारा, चाहे क्रेडिटर्स लोन देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका मीनिंग जो मैं बता रही हूँ, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द प्रेजेंटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट गिवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू द डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट कंपोनेंट बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। आपको ये कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है कि हम साइंटिफिक मेथड से अलग अलग मेथड को यूज में लेते हुए अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं ताकि वह सुविधाजनक हो जाए तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है? एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास 3 साल की सेल्स पड़ी है, 3 साल के ट्रेडिंग अकाउंट पड़े हैं, 3 साल की बैलेंस शीट पड़ी है, तो आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं, कंपेरेटिव ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं और या फिर है ना किसी ट्रेंड वैल्यू में या ट्रेंड रेशियो में हम सेल्स दिखा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारा क्या ट्रेंड रहा है, तो डेट इज़ द एनालिसिस, इस चीज़ को हम एनालिसिस कहेंगे। तो एक्चुअल में इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में मैं नोट्स में आपको बताया है कि सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन
क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की पिछले कई सालों में क्या है या वर्तमान में क्या है, इस करंट ईयर में क्या है। और इसी प्रकार से अगर हमारी एफिशिएंसी, हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है ये मैंने आपको आगे चल के बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट बना सकते हैं, P&L कंपेरेटिव बना सकते हैं, इसी प्रकार से फंड फ्लो बना सकते हैं, कैश फ्लो बना सकते हैं, ब्रेक इवन चार्ट बना सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियो निकाल सकते हैं। तो इनके ये जितने भी कंपोनेंट हैं या जितने भी ये टेक्निक हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की, तो ये आपको ये बताएगी। जैसे रेशियो एनालिसिस है तो रेशियो में हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स टू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, या व्हाट इज़ द करेंट एसेट्स कंपेरिजन टू टोटल एसेट्स, हमारा कई तरह के रेशियो निकलते हैं। तो हम अपनी एफिशिएंसी को अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना आवश्यक होता है। फिर आपको कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी हो जाती है, रेशियो में परसेंटेज में ट्रेंड पता पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम भविष्य के संबंध में और अच्छी नीतियाँ बना सकते हैं, उसकी ट्रेजेडी बना सकते हैं कि कंपनी को और आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। फिर हम ये कह रहे हैं कंपेरेटिव स्टडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन यही है कि आपके जितने भी बैलेंस शीट हैं, जितने भी P&L अकाउंट हैं, उनको कंपेरेटिव स्टडी करनी होती है। वह 2 साल की, 5 साल की या 10 साल की हो सकती है। और इसी प्रकार से जो कंपनी की ऑलरेडी एक्टिविटीज चल रही हैं या जो प्लान चल रहे हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके ऑब्जेक्ट हैं। या इम्पोर्टेंस भी हम यही कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया हुआ है तो कंपनी को बहुत प्रकार से, कई प्रकार से फ़ायदे होते हैं और प्रत्येक पक्ष, समाज का प्रत्येक पक्ष का झुकाव कंपनी की ओर होता है। अब मेन मुद्दा जो न्यूमेरिकल है अपना, टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टेक्निक है। सबसे पहला आपको दिया हुआ है कंपेरेटिव बैलेंस शीट, फिर आपको दे रहा है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ट्रेंड एनालिसिस। तो मैं पहले पॉइंट से ही आपको समझाना शुरू कर रही हूँ। पहला दे रहा है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम नाम से भी पता पड़ रहा है कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट, हम 2 साल के, 5 साल के या 6 साल के या 10 साल के बैलेंस शीट के डाटा लेंगे। अर्थात जैसे 2018 के ले लिए, 2019 के ले लिए, 2020 के ले लिए, 3 वर्षों के आपकी इक्विटी क्या थी, आपकी रिजर्व कितने थे, आपके करंट लायबिलिटी कितनी थी, आपके कितने ओवरड्राफ्ट थे, तो और इसी प्रकार से एसेट्स, विभिन्न प्रकार के एसेट्स कितने के थे। तो हम एक स्टेटमेंट के अंतर्गत, एनालिटिक टेबल के अंतर्गत हम 3 वर्षों के क्या करेंगे, डाटा डाल देंगे। डाटा डालने के बाद में हम कंपेरिजन करेंगे कि 2018 की अपेक्षा 2019 में प्लस हुआ है या माइनस हुआ, अर्थात बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, और बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है ये आपके जो कहलाएंगे, इसको एब्सोल्यूट चेंज कहेंगे। एब्सोल्यूट चेंज माना जो परिवर्तन हुआ है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास 2018 में जो रिजर्व थे 20,000 हो गए, 20,000 थे, 2019 में 41,000 हो गए। तो हम कंपेरिजन करें तो 20,000 और 41,000 अर्थात 21,000 का हमारा इंक्रीज हुआ है क्या, रिजर्व। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। अब एब्सोल्यूट जो चेंज हुआ है उसको हम परसेंटेज में भी डाल सकते हैं। परसेंटेज में इस प्रकार से करेंगे कि हमने आधार किसको माना, 2018 में कितने थे, 20,000 की अपेक्षा अब हमारे बढ़ोतरी हुई है 21,000, तो 21,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 कर देंगे, तो इसको कहते हैं चेंज इन परसेंटेज। तो इस प्रकार से कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी थोड़ी देर इसी में बता रही हूँ। उसके बाद में आपको दे रहा है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं टोटल और जितनी भी आपकी लाइबिलिटी हैं टोटल, उसके अंतर्गत आपको क्या करना है कि टोटल के अंतर्गत
प्रत्येक जो टोटल होता है उसको 100 मान लिया जाएगा, और 100 के आधार पे आपको क्या करना है, प्रत्येक आइटम का परसेंटेज निकालना है। जैसे मैं आपको बताऊं